राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू के कुजू पूर्वी पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों के साथ संवाद किया और परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने मांडू के कुजू पूर्वी पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों से मुलाकात और संवाद कर उनकी आवश्यकताओं से अवगत हुए। यहाँ पर कुछ काम की शुरुआत हम लोगों ने जो की, और मित्रों पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के द्वारा भी बहुत सी योजनाओं की जानकारी आप तक दी गई है और आपको सीधे उसका लाभ मिले उसके हिसाब से काम हो रहा है। राज्यपाल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया ताकि जरूरतमंदों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन पर असंतोष जताया और इस दिशा में जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। नल और जल की योजना बहुत आवश्यक है, उसमें कुछ कमियां नजर आ रही है, तो हम चाहेंगे प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कार्रवाई करे। वास्तव में आधी बीमारी लगता यह है कि दूषित पानी पीने से मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत को जान सके। उन्होंने पर्यटन विकास पर भी बल दिया। हम जानकारी करेंगे, धार्मिक पर्यटन में तो लोग खुद भी जाते हैं, वहाँ सुधारो, राज्य सरकार को आग्रह करेंगे इस ओर ध्यान दें। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रामगढ़ से के.के. तिवारी की रिपोर्ट।